सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.3 का 8th क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक बस स्टॉप है, ठीक है, बस स्टॉप इज बैरिगेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाई यूजिंग 50 होलो कॉन्स। ठीक है, होलो कॉन्स का मीनिंग समझिए कि आपने देखा होगा रोड साइड में ऐसे कॉन्स रखते हैं, ऑरेंज कलर का तो आपने देखा होगा, ठीक है, कहीं वर्क चल रहा होगा तो उसके साइड में ऐसे रखते हैं। तो ये बस स्टॉप के साइड में लोगों ने क्या रख दिया, होलो कॉन्स। यहाँ की मतलब है ये वाला जो है पार्ट वहाँ पे गैप होगा, मतलब कि ये कवर नहीं है, जो सर्कुलर रीजन है ना कवर नहीं है, दैट मीन्स हमें सी एस ए पे ही जाना है। ठीक है, टी एस ए होता तो ये कवर होता, होलो कॉन्स जब भी बोले सी एस ए कवर्ड सर्फिस एरिया। ठीक है, अब देखिए ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये जो बेस डायमीटर है वो गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया उसका रेडियस निकाल दिया, रेडियस इज इक्वल टू 40/2 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हाइट इज ऑल्सो गिवन, ये जो हाइट दिख रहा है आपको विच इज इक्वल टू 1 मीटर। देखिए तो मैंने क्या किया, रेडियस को भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई क्या कर देना आपको 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो हाइट भी मीटर में और रेडियस भी मीटर में। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इफ़ द आउटर साइड ऑफ द ईच कॉन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कॉन्स। तो 50 कॉन्स हमें पेंट करना पड़ेगा, तो पहले एक कॉन का जो पेंट मतलब कहाँ पे करते हो लोग, इस एरिया में, दैट मीन्स सी एस ए। तो सी एस ए ऑफ ए कॉन हम निकालेंगे, तो सी एस ए ऑफ ए कॉन में आपको क्या समझना है कि उसमें एल का वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे दिया है 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट एच। अब देखिए 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, उसका अंडर रूट लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा, इनको ऐड कीजिए तो यहाँ पे 1.04। सो 1.04 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1.02 मीटर हो जाएगा। तो दैट मीन दैट विल बी द आंसर। अब देखिए और क्या आपको समझना है कि इसका जो वैल्यू, स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है ना, वो टेस्ट बुक में मतलब कि क्वेश्चन के नीचे गिवन है। अब सी एस एफ ए कौन इज पाई आर एल, एल का वैल्यू 1.02 है, सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पे ध्यान से क्या समझना है कि पाई का वैल्यू ना 3.14 है। ठीक है, 22/7 मास ले लेना, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है 3.14 × 0.2 × 1.02। सो आप अपनी तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है तो डेसिमल को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको मिलेगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो ये एक कोण का है, वन कोण। अब हमें क्या कितना चाहिए, सी एस ए ऑफ 50 कॉन्स। तो 50 कॉन्स के लिए 50 × एक कोण का जो एरिया है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलेगा 32.028 मीटर स्क्वायर। सो वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। देखो हमने 50 कॉन्स का सी एस ए तो निकाल लिया, अभी कॉस्ट कैसे निकालना है, हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपीज़ है, तो हमारे पास कितना एरिया है, 32.028 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, 12 × 32.0828 मल्टीप्लाई कर दिया मेरे को, मैंने कर दिया तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 384.336 रुपीज़। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल मल्टीप्लीकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट नॉर्मल तुम्हें मल्टीप्लाई करना और पॉइंट बाद में लगाना उतना ही। ठीक है,